हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम आपसे बातें करेंगे स्वास्थ्य नियमों के संबंध में, यानी वैसे कुछ कारण जिसको हम अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, अपने अपने शरीर को अस्वस्थ कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से कुछ उपाय हैं जिसको अपनाकर, खाने पीने के नियमों को अपनाकर या कुछ तब्दीली कर आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, उससे संबंधित आज दोस्तों हम बातें करेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं स्वास्थ्य नियमों के, स्वास्थ्य संबंधित नियम के विषय में। ऐसे आपको कौन कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना है, हमारे इस प्रोग्राम को अंत तक अवश्य सुने, तभी आप इससे लाभान्वित हो पाएंगे और अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने खाने पीने में ऐसी कोई भी चीज़ें प्रयोग ना करें जो कि फ्रिज में रखी गई है। अर्थात फ्रिज में कोई भी खाने पीने की वस्तुएँ, चाहे वह मिठाई हो या फल फूल हो, कोई भी फल हो, सेब हो, संतरा हो, अंगूर हो, जैसे आप लोग रख दिया करते हैं, दही हो, दूध हो, कोई भी सब्जियां हो, आटे हैं, महिलाएं घर में खाना बनाने के समय कभी कुछ आटे के हिस्से को फ्रिज में रख देती है अगले दिन प्रयोग के लिए करने के लिए, वैसे किसी भी तरह के खाद्य या पेय पदार्थ उसका फ्रिज में ना रखें और उसे सेवन ना करें। और ये सभी खाद्य पदार्थ जिसका प्रयोग करते हैं खाने पीने में, उसका भरपूर इस्तेमाल उसी स्थिति में करें जब वो वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में हो, यानी ताज़ी हो, यानी जो कुछ भी हम खाएं पिए ताज़ा खाद्य पदार्थ खाएं, ताज़ी पेय पदार्थ का सेवन करें, और अगर वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में हो तो वह हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यकर होंगी। अर्थात फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तुएँ ना खाएँ। दोस्तों, दूसरे स्वास्थ्य नियमों में आप यह ध्यान रखें कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को और अधिक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो दोस्तों पानी के रूप में हमेशा गर्म पानी का सेवन करें। ठंडे पानी का को कभी भी अपने पीने के दिनचर्या में शामिल न करें। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गर्म पानी नित्य पीने की आदत डालें, और गर्म पानी पीने से मतलब ना अत्यधिक गर्म पानी पिए, ना अत्यधिक ठंडी पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, और वैसा ही गर्म पानी पिए जिससे आपका शरीर स्वीकार कर सके, यानी आपके शरीर के का जो टेम्परेचर होता है अत्यधिक, उतना गर्म पानी को आप पी सकते हैं। और गर्म पानी पीने से दोस्तों आपके शरीर की अच्छी तरह से सफाई होती है, आंतों की सफाई होती है, शरीर में जो कुछ भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो कुछ भी विषैले अवशेष होते हैं, वो हमारी शरीर के पानी के उत्सर्जन के रूप में यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो नित्य गर्म पानी का सेवन किया करें, सुषुम पानी का सेवन किया करें। गर्म पानी का अगर आप नित्य सेवन करते हैं तो इससे हमारी पाचन प्रणाली भी दुरुस्त रहती है, पेट के आंत भी सफाई धीरे धीरे उसकी होती रहती है। अतः दोस्तों आप गर्म पानी का अवश्य सेवन करें, और अत्यधिक समय रखी हुई बासी पानी का भी सेवन न करें। जब भी पानी पिए उसे हल्का गुनगुना कर लें और गर्म पानी पीने की आदत डालें, और गर्म पानी पीने से दोस्तों आपके शरीर के टॉक्सिन्स और शरीर की सफाई होती रहेगी, आंत को सफाई होती रहेगी, और आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, तीसरे नियमों में दोस्तों जो कुछ भी खाएं अच्छी तरह से चबा कर खाएं, और अच्छी तरह से चबा कर खाएं, और उसे इतना अधिक चबाएं कि वह आपको आपके मुंह में मौजूद लार के साथ लगातार मिलती रहे, और आप इसको अपने भोजन के रूप में शामिल करें। इससे जब आप कभी भोजन को आप चबा कर खाएंगे तो उससे आपके मुंह में जो लार मौजूद होते हैं वो उसके एंजाइम आपके भोजन के साथ मिलेंगे, और जब उसे आप अपने चबाने के बाद आपके शरीर में उसे निगलेंगे तो लार के साथ जो एंजाइम आपके पेट में जाएंगे उससे अनेक आपकी बीमारियों की रोकथाम होगी और आपके बीमार होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि खाने के समय अत्यधिक से अत्यधिक भोजन को चबाएं, भोजन को इतना खाने के समय डाइल्यूट कर लें कि वो एक लिक्विड के रूप में आपके शरीर के अंदर जाए निगलने के बाद। और ऐसे भी दोस्तों खाना खाने के समय जो कुछ भी आप चबाएं 28 से 32 बार उसको चबाने की आदत डालें। और ऐसे भी सामान्यतः किसी ने कहा है कि आपके मुंह में जितने दांत हैं कम से कम उतनी बार तो भोजन को अवश्य चबाना चाहिए। अगर 25 दांत हैं तो 25 बार भोजन को चबाएं, अगर 28 दांत हैं तो 28 बार चबाएं, अगर 32 दांत हैं तो भोजन को अच्छी तरह से 32 बार चबाएं। और ये दोस्तों एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे आप हम समझ सकें कि भोजन को कैसे चबाएँ, कितना चबाएँ।
दोस्तों चलिए अब चौथे नियमों में अब अपनी दांतों के विषय में बातचीत करते हैं, मसूड़ों के विषय में बातचीत करते हैं। दोस्तों हमें जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें हमारे दांतों और मसूड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो मसूड़ों और दांतों का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों अपनी दांतों और मसूड़ों को सफाई के लिए कभी भी ब्रश का इस्तेमाल ना करें। उसे मुख साफ करने के लिए हमेशा दांतों को आप दंत मंजन का इस्तेमाल करें। आप अपनी उंगलियों से साफ कर सकते हैं, और सबसे अच्छा दोस्तों तरीका है कि अगर आप अपनी दांतों को साफ करना ही चाहते हैं तो नीम के दातुन से साफ करें, और वो उसके ब्रशेस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और हमारी दांतों और मसूड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होंगे। जनरली जो हम ब्रश यूज करते हैं अपनी दांतों की सफाई के लिए, वो सामान्यतः हम लोगों के लिए नहीं बनी है। यूरोपियन कंट्री में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मसूड़े एवं जबड़े और दांत ये सामान्यतः कठोर होते हैं, सख्त होते हैं, और तो ये सामान्यतः ब्रश का प्रयोग उनके लिए ज़्यादा हितकर है। इससे और हमारे मसूड़े दांत इतने सॉफ्ट होते हैं, मसूड़े इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम ब्रश से अगर ध्यान देकर अगर नहीं धोते हैं तो हो सकता है कि आपके मसूड़ों से कुछ खून भी बाहर आ जाए। अतः दोस्तों दांतों की सफाई के लिए नीम के दातुन का प्रयोग करें, दंत मंजन का प्रयोग करें, और हो सके तो अपनी उंगलियों से ही दांतों की सफाई दंत मंजन के साथ कर सकते हैं, वो बहुत ही आपके लिए स्वास्थ्यकर होगा। दोस्तों पांचवें नियमों में ध्यान रखें कि आप जब भी पानी पिए तो पानी पीने के समय तो आपको गर्म पानी पीना ही है, हल्का गुनगुना पानी पीना ही है, तो लेकिन वो बीच पानी जब पिए घुट घुट करके पिए, और जब भी घुट घुट करके पिए उसे अच्छी तरह से मुंह में चारों तरफ अच्छी तरह से घुमा घुमा कर पिए। इससे दोस्तों होगा क्या कि आपके मुंह में जो कुछ भी लार पैदा होती है, लार के साथ जो एंजाइम होते हैं वो पानी के साथ मिलके आपके शरीर में जाते रहेंगे, और पुनः जो कुछ भी लार का निर्माण होगा वो आपके पानी के माध्यम से आपके शरीर में अत्यधिक जा पाएगी। इससे आपके शरीर में दोस्तों वात पित्त एवं कफ तीनों प्रकार के रोगों को संतुलित रखेगा, होने नहीं देगा, और अगर ये आपके शरीर में वात पित्त और कफ अगर बैलेंस रहेंगे तो दोस्तों आप यकीनन स्वस्थ रहेंगे और आपको अत्यधिक समस्या होने नहीं पाएगी, और बहुत ही अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। हो सके तो पानी को अक्सर गुनगुना ही पिए, जैसा कि इसके पहले भी बताया है कि दोस्तों पानी को गुनगुना पिए, सिप सिप करके पिए, और मुंह में अच्छी तरह से घुमा कर पिए। दोस्तों जैसे हम लोग अक्सर दूध का सेवन करते हैं, दूध को पीते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दूध को पीते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पानी को भी उसी तरह से पिए, गर्म पानी को भी उसी तरह से पिए। अगर वैसे अगर पिए तो बहुत अच्छा है, अगर ना पी पाएँ तो कम से कम जो कुछ भी पानी अपने मुंह में आप लेते हैं उसे अच्छी तरह से मुंह में चारों तरफ घुमा घुमा कर धीरे धीरे पिए। दोस्तों अगर पानी पीने की इस प्रक्रिया का अगर आप पालन करते हैं तो आपके शरीर में अनेक समस्याओं का समाधान हो पाएगा, जैसे जो अधिकतर जो कुछ भी ज्वाइंट पेन है उसकी समस्या अत्यधिक जल्दी से ही समाप्त हो जाएगी, कम होगी। एड़ियों में दर्द की समस्या सामान्यतः अत्यधिक जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, शरीर में अधिक वजन की समस्या है, तो वो भी अपने एक लेवल में आके आपको बहुत ही राहत देगी, इस समस्या से भी राहत मिलने की संभावना है अगर इस प्रक्रिया का आप पालन करते हैं। दोस्तों ये एक स्वास्थ्य पालन के नियम हैं, अगर इसका आप पालन करते हैं तो आपके शरीर में अनेक रोग हो नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों छठे नियमों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो कुछ भी भोजन करें, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सूर्यास्त के बाद हम कुछ भी भोजन ना करें, और रात के समय तो बिल्कुल से भी भोजन नहीं करें। हालांकि आजकल के फास्ट लाइफ में यह संभव हो नहीं पा रहा है और लोग इसका पालन कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर स्वस्थ रहना है, अगर आनंददायक जीवन अगर व्यतीत करना चाहते हैं, निरोगी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस नियमों को आपको अच्छी तरह पालन करना पड़ेगा। इस नियम को आपको ध्यान में रखना चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। और हम अपने आसपास देखते हैं कि जानवर को कोई भी रोग नहीं हो पाता है, बहुत स्वस्थ रहते हैं, हमसे तो बहुत स्वस्थ रहते हैं, तो दोस्तों देखेंगे कि वो स्वास्थ्य नियमों को बहुत ही पालन करते हैं। दोस्तों सातवें नियम में जो कुछ भी दोस्तों खाएं, जब भी खाएं तो खाने के समय में दोस्तों पानी पीने की आदत बिल्कुल से भी नहीं डालें। कुछ कुछ लोगों की ये आदत होती है कि हम जो कुछ भी खाते हैं खाने के बाद हमारे गले में खाना फंसने लगता है, तो दोस्तों अगर खाने के समय अगर वो समस्या है तो दोस्तों आप उसके साथ है अपने इच्छा अनुसार जो कुछ भी स्वास्थ्यकर पेय पदार्थ हो उस समय के अनुसार आप उसका
सेवन कर सकते हैं। जैसे खाने के समय आप अगर दाल पीने की आदत हो तो दाल को आप जब पानी की कमी महसूस हो तो दाल को हल्का सा पी लें। आप पे अगर रात के समय में अगर खाने के समय अगर आप भोजन की समस्या में इस तरह की समस्या हो तो आप दूध पी सकते हैं। दिन में आप जूस या फिर लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। तो दोस्तों अपनी सुविधा के अनुसार इन चीज़ों को आपस में बांट लें और कोशिश तो ये होनी चाहिए खाने के समय कुछ भी पिए नहीं और पानी तो बिल्कुल भी ना पिए। खाने के बाद पानी अगर आप पीते हैं तो ये विष के समान है और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों ये थे स्वास्थ्य के 7वें नियम। अगले नियम में दोस्तों आप जैसा कि हमने बताया कि पानी जब भी पिए हल्का गर्म पिए, गुनगुना पिए और अपने शरीर के तापक्रम के बराबर अधिकतम पानी पिए। अत्यधिक गर्म भी पानी आपके लिए स्वास्थ्यकर नहीं है। और दोस्तों दिन की जब भी शुरुआत करें हल्के गर्म पानी से करें, अर्थात जब भी आप सुबह में उठते हैं तो बिना ब्रश किए, बिना मुंह का कुल्ला किए, मुंह में पानी लिए आप हल्के गर्म पानी को पीने की आदत डालें। इससे आपके मुंह में जो कुछ भी लाड़ का रात भर में निर्माण हुआ है, जो कुछ भी उसमें आपके लिए लाभदायक उसमें एंजाइम है, वो पानी के माध्यम से आपके शरीर में, पेट में जाएंगे। और गर्म पानी से अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो इससे आपका पेट की सफाई तो होगी ही, आँत की सफाई तो होगी ही और इसके साथ जो कुछ भी आपके मुंह में एंजाइम है वो भी आपके शरीर में जाएंगे, तो आप स्वस्थकर होंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ इसका मिलेगा और आप बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों दिन की शुरुआत गर्म पानी से करें और इसे ध्यान रखना चाहिए कि बासी मुँह सुबह पानी पीने की आदत डालें। रात को सोने के समय ब्रश करने की आदत डालें, इससे आपके दांतों की सफाई अच्छी तरह से हो जाएगी। और सुबह आपको अगर इस तरह से बासी मुंह, खाली मुंह अगर पानी पीते हैं तो इससे आपको कोई भी समस्या हो नहीं पाएगी दोस्तों। और अगर अत्यधिक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो दोस्तों सोने की एक समस्या है जो आजकल लोगों में पाई जाती है, तो दोस्तों उस पर है सो आपको काबू पा लेना चाहिए कि अगर सोने के समय में जब भी दोस्तों अगर आप सोते हैं तो सोने के समय में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जब भी सोएं पूर्व दिशा में मुँह करके सोएं। और पूर्व दिशा में अगर आपको सोने में किसी भी तरह की समस्या हो, अगर आप ऐसो सो नहीं पाते हो तो दोस्तों आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसो दक्षिण दिशा में कसम सोने की आदत डालें। अगर आप ज़मीन में अगर सोते हैं या अगर बेड नहीं है तो इस समस्या पर तो आप तो काबू पा ही लेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली ये बात है कि जो कुछ भी व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा में सोते हैं और अगर उत्तर दिशा में सोते हैं तो ये एक गलत डायरेक्शन है दोस्तों। ये जनरली पूजा करने का स्थान है और ये यहाँ पर है सो अगर हम लोग अपने पूजा करने के लिए अगर इस दिशा का प्रयोग करते हैं तो इसका अच्छा परिणाम है। और सोने की दिशा में हमेशा दोस्तों याद रखें कि मजबूरी में ही दक्षिण की दिशा में सोएं और जब भी सोएं पूर्व की दिशा में ही करके सोएं। इससे हम बहुत ही मानसिक रूप से शांति हमारे दिमाग में बनी रहेगी और अत्यधिक मानसिक बीमारी से आप ग्रसित होंगे नहीं। और अगर आप में नींद की बीमारी की समस्या है, अत्यधिक नींद से सही से नहीं आ पाती है तो पूर्व दिशा में सोने से आप में ये समस्या आने नहीं पाएगी दोस्तों। अगले स्वास्थ्य नियमों में ध्यान दें कि जो कुछ भी आप खाना खाएं कभी भी टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की आदत ना डालें। हमारे भारतीय नियमों के अनुसार अगर आप आराम से ज़मीन पर पालथी मानकर अगर बैठकर अगर खाते हैं, जिसे सुखासन कहते भी हैं, अगर उस मुद्रा में अगर आप भोजन का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अर्थात जब भी भोजन करें सुखासन की मुद्रा में बैठकर करें, पालथी लगाकर करें और खाने के बाद जब भी हो आप पानी को तुरंत सेवन न करें, 1 घंटे बाद ही करें। अगर पानी पीने की अगर इच्छा हो खाने के समय में तो दूध, लस्सी, जूस, दाल, जो कुछ भी उस समय खाने के अनुकूल पेय पदार्थ हो उसका ही सेवन करें। और दोस्तों जब भी आप बीमार हों तो दोस्तों आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमें उस बीमारी को उपचार अधिक से अधिक आयुर्वेदिक पद्धति से करें, घरेलू पद्धति से करें। और अत्यधिक अगर समस्या हो तो होम्योपैथिक का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि एलोपैथिक दवा का प्रयोग ना करें। साधारणतः एलोपैथिक दवा का निर्माण ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे उनको स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, लेकिन हम गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग अगर ये एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उसके बुरे परिणाम हमारे शरीर में होते हैं। उसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है और हमारे शरीर में इसका ऐसे भी नुकसान ही होता है।
अतः दोस्तों अपने बीमारी को किसी भी समस्या को दूर करने के लिए कोशिश ये होनी चाहिए एलोपैथिक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग न करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ स्वास्थ्य नियमों का आपसे के बारे में आपसे बात की कि अगर जो कुछ भी आप भोजन करते हैं, कब भोजन करते हैं, कब सोते हैं, तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उस संबंध में दोस्तों मैंने चर्चा की। दोस्तों आज का प्रोग्राम कैसा लगा इस संबंध में अपने सुझाव दें। आपके सुझाव से ही हम अपने प्रोग्राम को और अच्छा करते हैं। और हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसको अपने नाते रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, वो भी इससे लाभान्वित हो। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, इससे जो कुछ भी हमारे प्रोग्राम के बारे में अपडेट्स होंगे वो स्वतः आपको मिलते रहेंगे और आप स्वास्थ्य लाभ लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद।